आज की खुशगवार सुबह के साथ हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और मेरी बेगम का अदा। तो आज हम आए हैं हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ चेकअप वगैरह करवाने, और हाँ मास्क लगाना ज़रूरी है, तो मास्क लगा रहे हैं। ये हॉस्पिटल है यहाँ का निर्जाजा का, तो ये हम आपको दिखा देते हैं। तो सुबह के अभी 9 भी नहीं बजा और हम आ गए हैं यहाँ पे, तो हम चेकअप करवाने आए हैं। सो लेट्स सी क्या निकलता है, क्या होता है। लॉटरी तो बिल्कुल ही निकल, हाँ लॉटरी नहीं निकल। तो हाँ बेगम का चेकअप होने लगा, मेरा नहीं। ठीक है ओके। तो यहाँ पे रूत अंदर गई है, ये वो जगह है जहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पता नहीं क्या हंगेरियन में, आई थिंक अल्ट्रासाउंड, लेट्स सी क्या होता है। तो हम हॉस्पिटल से हो गए हैं फ्री और अब घर की तैयारी हो रही है बस स्टॉप पे। ये बस स्टॉप है और अब हम बस का वेट करेंगे अभी दोनों। अभी हमारी बस जो है वो गुजरी और अब हमें 18 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। हाँ हमें भी 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे, मौसम बहुत खुशगवार है। तो मैं ज़रा दिखा देता हूँ, ये छोटी सी एक बेकरी बनी हुई है और ये पीछे पूरा हॉस्पिटल था। पता है हमारी बेकरी ना ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ना हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसके पास चॉकलेट है, जैम है, अखरोट का जैम है। हमारी कौन सी पाकिस्तान, हाँ जहाँ से आप पैटिस खाती रही हैं बंदू खान के। तो फिर बेगम कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल के अंदर, जो के सारे लोग सुनते हैं बोलते हैं कि यार बाहर के जो होते हैं हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है, और मतलब के क्यूरियोसिटी होती है ना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आप बताएं जरा पहला एक्सपीरियंस था आपका। हाँ इंटरव्यू है, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था क्योंकि अच्छे और बुरे लोग यार हर जगह होते हैं। मास्टर के सुनाई सही थे। और अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ मदद करने वाले होते हैं, वहाँ थोड़ा सा बस लैंग्वेज बैरियर है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट अच्छी होती है हमारी। हाँ बस यहाँ पे ये था कि यहाँ पे इतना रश नहीं होता, बस ये फायदा है यहाँ पे, और सब कुछ साफ सुथरा वगैरह है, सब चीज़ अच्छी हैं। हाँ सब चीज़ों पे जो भी ये काम करते हैं कम से कम उस पर पूरा फोकस करते हैं। ये चीज़ का है कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले जाओ, हालांकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे हम हैं, बट इट्स नॉट लुक लाइक गवर्नमेंट। हाँ तो जो पाकिस्तानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उस तरह के जैसे लगता है, तो ये चीज़ है। बाकी जो सही बात वो कह रही है कि ठीक कह रही है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी मैंने जो पर्सनली भी देखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है चीज़ें सब जो आपको रिस्पांस वगैरह दिया जाता है, और कोई बात हर जगह अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं। हाँ, खैर अभी तक तो हमारा जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। जैसे हमारा काम होता है हम बताते जाएंगे। तो बेगम को मेरी लग रही है भूख, तो हम देखने लगे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारी चीजें देखें क्या क्या कह रही है मैक्रो कर दो मैक्रो। बेगम मेरी ले आई ये खाना बेकरी से, और ये अकेले अकेले खाई जा रही है, पूछ भी नहीं रही। तो मैं ना खाऊं, मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं? नहीं नहीं आप खाओ। तो अब हमें ये कुछ रिपोर्ट्स वगैरह मिली है, अब हम ये घर जाके देखेंगे। और खैर अभी तो बस ही नहीं आई, इतनी देर हो गई है वेट कर रहे हैं हम। हाँ करेंगे, पर मुझे मैं पर्सनली मौसम बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बेगम मेरी इंजॉय नहीं कर रही,
हल्की बारिश को देखा है, सुहाना सा मौसम लग रहा है ना। अब हम आ गए हैं घर, ये हमारा घर। तो बहुत बारिश हो रही थी, हाँ। और ज्यादा सर्दी लग रही थी बेगम को तो खास तौर पे। हाँ, मुझे बहुत थकावट फील हो रही है। तो अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, बल्कि नाश्ता भी नहीं किया सुबह का, तो नाश्ता करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। मिलते हैं अपनी आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी, और मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ। माठी माठी आवाज़ लग रही है ना मेरी, हाँ बट गई है। हाँ, बट प्लीज सर्दी बहुत है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और बेल के आइकॉन को भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।